Jai Hind everyone, this is our 11th lecture. In previous lecture, we have completed chapter number 2, Roman numeral. Now we are going to start a new chapter 3, addition. Okay, addition आप generally 3rd standard में पढ़ चुके हो. But यहाँ पे addition में अब हम आप करेंगे 1000, 10,000, lakh तक की digit को addition करेंगे. Blanks, additions means finding the total of two or more numbers, this total is called sum. Addition का मतलब क्या होता है? Means finding the total of two or more numbers. दो से ज्यादा number को हम लोग total करेंगे और उसका total का answer आएगा. उसको क्या कहते हैं? Sum कहते हैं. The second one, the numbers which are added, जो number को हम लोग add करते हैं, उसको क्या कहते हैं? Added are called addend. Addition using carryover method is also called additions by regrouping. मतलब कि addition using carryover, हम लोग carry करते हैं addition में, तो उसको कौन सी method कहते हैं? Addition by regrouping. तो ये तीनों blanks आपको आपकी book में लिखना है. अब हम start करेंगे. Let's recall. First one, add the following number. Let's recall question number 1. Add the following numbers. ओके जो ये लेट्स रिकॉल में जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस 3rd स्टैंडर्ड के ही है तो वो आपको सब आते ही होंगे. फर्स्ट वन 224 प्लस 887. अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स है, तो आपको क्या करना है? ऐड करना है. अब आपको ऐड करने से पहले हम लोग क्या बोलते थे लास्ट डिजिट को? वंस, टेंस एंड हंड्रेड. तो अब आपको लिखना है वंस, टेंस एंड हंड्रेड. आप लोगों को डायरेक्ट अभी लिखना नहीं है, वो डायरेक्ट आपको 5th स्टैंडर्ड से लिखना है. बट यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. ओके अब यहाँ पे लास्ट में डिजिट क्या है? 4, फिर 2 और फिर 2. ये आप लोगों को लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आपको फिर एडिशन में गलती ना हो. फिर है 7, 8 एंड 8. तो 7, 8 एंड 8 और इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है. ओके तो ऐड करके आपको आंसर खुद लिखना है. सेकेंड वन बी 485 प्लस 505 प्लस 975. अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स थी और अब यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 3. मतलब कि तीनों में 3 डिजिट्स के डिजिट्स है और 3 नंबर को हमें क्या करना है? ऐड करना है. तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा 100, टेंस एंड वंस. तो आपको लास्ट से लिखना है 5, 8, 4, 5, 0, 5, 5, 7 एंड 9. और ये तीनों डिजिट्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है. और ये सारे एडिशंस क्या है? कैरी वाले है. ओके फिर है सी 8462 plus 4596 answer. अब देखो यहाँ पे 4 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स है, तो आपको क्या करना है? वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. तो थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वंस आपको वो लिखना है. अब लास्ट डिजिट से 2, 6, 4 एंड 8, 6, 9, 5 एंड 4. और इन चारों डिजिट को क्या करना है? आपको ऐड करना है. ओके फिर उसके बाद वाला है डी. तो डी सेम 1000 तक की डिजिट्स है तो आपको क्या करना है? खुद करना है. और ये एडिशंस भी आपको क्या करना है? खुद. नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
एड यूजिंग एक्सपांडेड फॉर्म, एड यूजिंग एक्सपांडेड फॉर्म। एड यूजिंग एक्सपांडेड फॉर्म हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 376 प्लस 958। ओके, अब एड यूजिंग एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करना है? जैसा हम लोगों ने यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड लिखा, पहले हम लोगों को वो लिखना है हंड्रेड टेंस एंड वंस। अब जो डिजिट है उसको लिखो, सिक्स सेवन थ्री एट फाइव एंड नाइन। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। फिर यहाँ पे मैं बीच में लाइन करके लिखूंगी एक्सपांडेड एक्सपांडेड फॉर्म। और वापस हमें क्या लिखना है, पहले इसको ऐड करना है, सिक्स प्लस एट फोर्टीन। अब एट सेवन प्लस वन एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन। ओके, तो इसका आंसर आया है 1334। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म करना है। किसका एक्सपांड करना है, पहले यहाँ पे डिजिट क्या है 376, तो आपको लिखना है 300 प्लस 70 प्लस 6। सेम वे अब नीचे का 900 प्लस 50 प्लस 8। अब ये सब डिजिट को भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, एक्सपांडेड फॉर्म करो। अब जो ये एक्सपांडेड फॉर्म के ईच ग्रुप का प्लस करते हो तो उसको कैरी ओवर करना नहीं है। सिर्फ किस में कैरी ओवर नहीं करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में। जो आप यहाँ पे सेकंड कॉलम एक्सपांडेड फॉर्म का आप कर रहे हो उसमें आपको कैरी ओवर करना नहीं है। सिक्स प्लस एट फोर्टीन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, सेवन प्लस फाइव 12 प्लस 0 0, 9 प्लस 3 12। यहाँ पे आंसर आया 12। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सी वाली डिजिट 1000 तक की है, 100 तक की है, और यहाँ पे दो डिजिट्स है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 10,000 100 टेंस एंड वंस लिखना है। मैंने यहाँ पे 1000 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पहले में कितनी डिजिट तक आ रही है, 1000 तक आ रही है। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फर्स्ट आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। लास्ट में से शुरू करेंगे 0 0 2 एंड 1। अब यहाँ पे क्या है, 0 2 एंड 1, और यहाँ पे है 4 एंड 1। अब इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, और 1 का 1। अब आपको यहाँ पे एक नोटिस किया होगा, जो ये फर्स्ट हमने ऐड किया वो और एक्सपांडेड करके जो ऐड किया, दोनों के आंसर्स कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ओके, फिर से बता रही हूँ, ऐड यूजिंग एक्सपांडेड फॉर्म में पहले जो दो डिजिट्स है उसको आपको सिंपल ऐड करना है। Then after you have to do expanded form. In expanded form you don't have to carry over. आपको यहाँ पे carry over करना नहीं है। जो answer आए वो सीधे आप लोगों को उसी की place पे लिख देना है। Then after, पहले आपको क्या करना है, expanded form को plus किया था उसकी digits देख के यहाँ पे आपको 100 tens एंड 1000 लिखना है। अगर यहाँ पे 100 तक की डिजिट होती तो मैं यहाँ पे 100 tens और 1s लिखती, बट यहाँ पे कितनी digits है, 4 डिजिट्स है। देन आई हैव राइट 1000 100 टेंस एंड वंस। ओके, और बाकी के बी एंड सी अपने आप करना है। मैं डी वाला करवा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे तीन नंबर्स है। नाउ डी वन, D 132 प्लस 5701 प्लस 300
3526। अब यहाँ पे आपको ये तीनों डिजिट का क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म करना है। पहले देखो यहाँ पे थ्री डिजिट्स है, फिर यहाँ पे फोर डिजिट, अगेन यहाँ पे क्या है, फोर डिजिट्स है, तो आपको थाउजेंड से ही करना पड़ेगा, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वंस। यहाँ पे लास्ट से शुरू करेंगे, टू, थ्री एंड वन। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर ज़ीरो डाल देती हूँ, ज़ीरो नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ज़ीरो इसलिए बोल रही हूँ डालने के लिए तो आपके एडिशन में गलती नहीं होगी। फिर है वन, ज़ीरो, सेवन एंड फाइव, फिर सिक्स, टू, फाइव एंड थ्री, और इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ओके, नाउ सी, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस सिक्स नाइन, फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, सेवन प्लस वन एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस वन नाइन। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म करना है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सपांडेड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ थ्री डिजिट्स का एक्सपांडेड फॉर्म है, तो मैं लास्ट से शुरू करती हूँ, टू प्लस थर्टी प्लस वन हंड्रेड। ओके, क्योंकि थाउजेंड में आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे क्या है, फाइव थाउजेंड, फाइव थाउजेंड प्लस ओके, फाइव थाउजेंड प्लस सेवन हंड्रेड प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन, फिर यहाँ पे थ्री थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है। मैंने आपको फर्स्ट में ही समझा है, एक्सपांडेड फॉर्म में आपको कैरी ओवर नहीं करना है। टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस सिक्स नाइन, ज़ीरो का ज़ीरो, थ्री प्लस टू फाइव, यहाँ पे डबल ज़ीरो, सेवन प्लस वन एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, तो यहाँ पे थर्टीन डायरेक्ट लिखना है, फाइव प्लस थ्री एट, और पीछे तीन ज़ीरो, मतलब कि एट थाउजेंड, ये हुआ एट थाउजेंड, वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी एंड नाइन। अब देखो यहाँ पे थाउजेंड है, तो आपको मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे लिखना है थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वंस। यहाँ पे एट थाउजेंड है, ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो एंड एट, ज़ीरो, ज़ीरो, थ्री एंड वन, ज़ीरो, फाइव, और यहाँ पे आएगा नाइन। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ऐड करना है, नाइन का नाइन, फाइव का फाइव, थ्री का थ्री, और एट प्लस वन नाइन। नाउ यू सी द बोथ आंसर्स आर सेम, नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी नाइन। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द एस्टिमेट, फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स by rounding off, by rounding off the numbers to the nearest hundred. First one, 643
प्लस 482. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. इन इसके फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 का किया था. तो आपको नियरेस्ट करना है. पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपल ऐड करना है. ऐड करने के बाद दोनों डिजिट का क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट 100 करना है. तो कैसे करना है, फर्स्ट वन पहले लिखना है 100, टेंस एंड वंस जो डिजिट दी है वो लिखना है. ओके, अब इन दोनों को हम लोग सिंपल पहले ऐड करेंगे. 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 8 12, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11. ओके, अब यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करेंगे. तो आपको लिखना है ऊपर एस्टिमेट नियरेस्ट 100, मतलब आप नियरेस्ट किसका कर रहे हो, 100 का. तो यहाँ पे जो डिजिट है उसका क्या फाइंड करना है, 100 नियरेस्ट. मैंने आपको सिखाया था जब भी हम लोग नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो हमें कौन सी प्लेस देखनी है, टेंस की प्लेस. तो टेंस की प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 4. तो 4 छोटा है तो आगे प्लस करना नहीं है. तो यहाँ पे आपको लिखना है 600. नाउ सी अगेन यहाँ पे क्या है, 8. 8 कैसा है, ग्रेटेस्ट है. तो आपको आगे प्लस 1 करना है. तो 4 प्लस 1 5 और यहाँ पे 2 0. अब वापस इसको भी क्या करना है, ऐड करना है. 0 0 6 प्लस 5 11. तो ये हुआ हमारा आंसर. पहले आपको क्या करना है, एस्टिमेट में दोनों को सिंपल ऐड करना है. ऐड करने के बाद उसका एस्टिमेट करना है. ओके, अब हम करेंगे बी. 1708 प्लस 2436. अब देखो यहाँ पे थाउजेंड्स की डिजिट्स है तो आपको लिखना है 1000, 100, टेंस एंड वंस. 8, 0, 7 एंड 1, 6, 3, 4, 2. अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है. 8 प्लस 6 14, 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. अब यहाँ पे लिखना है एस्टिमेट नियरेस्ट किसका फाइंड करना है, 100 का. अब यहाँ पे 100 का नियरेस्ट फाइंड करेंगे और हमारे पास कितनी डिजिट्स है, यहाँ पे 4 डिजिट्स है. तो लास्ट थ्री डिजिट के नीचे हम लोग क्या करते थे, अंडरलाइन करते थे. विदाउट अंडरलाइन वाली डिजिट कौन सी है, 1. तो यहाँ पे 1 लिख दो. अब 100 का नियरेस्ट फाइंड करें तो हमें कौन सी प्लेस देखनी है, टेंस की प्लेस. तो टेंस की प्लेस पे यहाँ पे 0 है तो 0 छोटा है तो आगे प्लस करना नहीं है. तो 7 का 7 एंड लास्ट 2 0. नाउ सेम वे लास्ट थ्री डिजिट के नीचे अंडरलाइन, आगे 2 है तो 2 का 2 लिख दूँ. अब टेंस की प्लेस पे क्या है, 3. 3 छोटा है तो आगे 4 का 4 और पीछे 2 0. अब इसको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है. 0 0 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. तो ये हुआ हमारा एस्टिमेट का आंसर. ओके, सबको समझ में आ गया. अब उसके बाकी के जो दो सम्स है वो आपको खुद ट्राई करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके सीधा आंसर्स लिखूंगी. क्वेश्चन नंबर 4, सुकृत ट्रैवल 1578 किलोमीटर बाय ट्रेन, 1036 किलोमीटर बाय बस एंड अनदर 729 किलोमीटर बाय कार. हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल इन हिज होल जर्नी. अब सुकृत ने ट्रैवल किया था पहले ट्रेन से, फिर बाय बस से एंड बाय कार से. तीनों में उसने आधा आधा डिस्टेंस कवर किया है तो टोटल उसने कितनी जर्नी कवर की होगी. तो यहाँ पे टोटल है तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करना है. तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है.
आंसर नंबर 4, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। सुकृत ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था बाय ट्रेन? 1578 डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, कितना किया था बाय बस? 1036। फिर है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, कितना ट्रैवल किया था? 729। इसके सब के पीछे क्या लगाना है आपको? किलोमीटर। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रैवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन हिज होल जर्नी। ओके, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है वो फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इन तीनों डिजिट्स को ऐड करना है और वो ऐड आपको खुद करना है। ओके, तो स्टेटमेंट है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, उसने पहले किससे डिस्टेंस ट्रैवल किया था? ट्रेन से, देन आफ्टर बाय बस एंड देन आफ्टर बाय कार। और ये तीनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट नंबर इज 2045 मोर देन 6287। अब इसका क्वेश्चन आप समझो, 2045 है मोर देन, वो कितना मोर देन है 6287 से? तो यहाँ पे देखो, मोर मतलब क्या हुआ? ज्यादा। तो आपको यहाँ पे करना है 2045 प्लस 6287। यहाँ पे मोर लिखा है इसलिए हमें क्या करना है? एंड। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? जो ये नंबर है वो कितना ज़्यादा है 6000 से? तो इन दोनों को आपको क्या करना है? एड। सो यू हैव टू डू योरसेल्फ। आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 3, लेट्स रिकॉल क्वेश्चन नंबर 1, सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 2, सी एंड बी एंड सी, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन योर नोटबुक। थैंक यू।